चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस जो इसका पार्ट था, पार्ट फर्स्ट, इसका इंट्रोडक्शन किया हम लोगों ने, जो कैरेक्टर्स थे उन कैरेक्टर्स को डिस्कस किया, ठीक है। एंड आई होप कि अब जो हम नोवेल कंप्लीट करने वाले हैं आगे, तो आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसी मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये जो कहानी है, ये कहानी शुरू होती है एक अमल नाम के बच्चे से, ठीक है। अगर आप लोग डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं एक बार आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि जो प्रीवियस इसका पार्ट फर्स्ट है, एक बार उसको अच्छे से आप देख लें, ताकि इसका जो कैरेक्टर्स है जो, और इसका जो जो इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ में आए, ठीक है। कंप्लीट डिटेल्ड समरी, कंप्लीट स्टोरी हम लोग अब यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत अच्छे से गौर से आप एक एक चीज को नोटिस करके आप सुनेंगे, ओके। चलिए देखिए, लेट्स स्टार्ट। ये कहानी शुरू होती है अमल नाम के एक बच्चे के साथ, जिस बच्चे को बहुत गंभीर क्या होती है, बीमारी होती है। जब आप इस प्ले को हिंदी में रीड करना स्टार्ट करते हैं, तो इस प्ले की शुरुआत माधव और इस डॉक्टर की बातचीत से होती है। ये डॉक्टर जो वैसे बाय प्रोफेशन एक अच्छा डॉक्टर नहीं होता है, ठीक है, और एक गैस अनुमान लगाकर क्या करता है, ये इस बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहा होता है, ठीक है, बहुत हैवी मेडिसिन वगैरह देकर इस बच्चे को संभालता है। ये सुबह की कहानी है, सुबह से स्टार्ट होगी एंड शाम को, ठीक है। सुबह सुबह का समय होता है, डॉक्टर जो होता है वो उस बच्चे का चेकअप वगैरह करके आता है, और आने के बाद वो माधव के पास पहुंचता है। मैंने बताया था आपको, माधव जो होता है वो इसका अंकल होता है, लेकिन अमल के पेरेंट्स नहीं होने की वजह से माधव इसको अडॉप्ट करता है। तो डॉक्टर माधव से कहता है, भाई आपका जो बेटा है उसे बहुत गंभीर बीमारी है, और बाहर की जो आबो हवा है, सूर्य की जो किरणें हैं, बाहर की जो ठंडी हवाएं हैं, वो इस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो माधव इस पर ये कहता है कि भाई अमल जब यहाँ नहीं आया था, मेरे घर में नहीं आया था, तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी और मुझे कोई अटैचमेंट भी नहीं था, बट जब से अमल यहाँ आया है मुझे इसकी बहुत फिक्र होती है, और अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाऊँगा, आप कैसे भी करके इस बच्चे को बचाइए। तो डॉक्टर कहता है इससे कि भाई अगर इस बच्चे के भाग्य में अगर जीवन लिखा है तो ये बच्चा जिएगा, इसे कोई भी नहीं बचा सकता है। इस प्रकार की बातचीत होती है और डॉक्टर क्या होता है वहां से चला जाता है उसको ये सारी एडवाइस देने के बाद में, ठीक है। अब माधव जो होता है, माधव आता है अपने बेटे अमल के पास में, और अमल से कहता है कि बेटा डॉक्टर ने आपको ये कहा है कि आपको थोड़ी बीमारी है और बाहर जाने के लिए आपको क्या किया है, मना किया है, आपको यहीं पर क्या करना है, रहना है, और डॉक्टर हमसे ज़्यादा अच्छा जानता है, इसलिए हमें डॉक्टर की जो एडवाइस है उसे माननी चाहिए, ठीक है। इस बात पर अमल अपने पिता से कहता है कि मुझे क्या नाम से इस रूम में कन्फाइन रहकर, मैं इस रूम में लिमिटेड एरिया में नहीं रह सकता हूं। तो फिर माधव कहता है कि भाई जब तक तेरी तबीयत अगर ठीक नहीं होती है तुझे यहीं रहना है, और वो माधव इसको समझाता है कि तेरी तो बहुत अच्छा है, तू तो उल्टा यहाँ घर पर रहकर बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकता है और तू क्या बनेगा, एक पंडित बन सकता है बहुत महान। तो अमल कहता है कि मुझे पंडित नहीं बनना है, मुझे तो इस संसार में क्या करना है, घूमना है, मुझे बाहर जाना है, मैं पंडित पंडित नहीं बनना चाहता हूं, मैं तो क्या नाम से ट्रैवलिंग करना चाहता हूं, इस वर्ल्ड को, इस नेचर को देखना चाहता हूं। तो माधव बहुत समझाता करता है इसको। समझाने के बाद में माधव जो होता है वो वहां पर होता है, तो गफर जो होता है, गफर आता है, गफर से भी बातचीत होती रहती है। गफर भी इस बच्चे को, अमल को ये कहता है भाई तू यहां पढ़, यहाँ पढ़ेगा तो तू पंडित बनेगा, विद्वान बनेगा। एंड अमल भी गफर से यही कहता है कि नहीं मुझे क्या है, मुझे पंडित पंडित नहीं बनना है, आई वॉन्ट टू ट्रेवल द होल कंट्री। अब माधव के काम पर जाने का समय होता है, तो माधव कहता है अमल से कि ठीक है मैं काम पर जा रहा हूँ, और तुझे क्या करना है, डॉक्टर की एडवाइस माननी है, तू यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, घर पर रहना है, तू विंडो पर बैठ सकता है। अब माधव इतना कहकर चला गया, गैफेर भी चला गया, डॉक्टर भी चला गया, अब अमल घर में अकेला होता है। अमल क्या करता है, विंडो पर बैठता है और विंडो पर देखकर बाहर जो हलचल हो रही होती है उन मूवमेंट्स को बहुत नोटिस करता है बहुत अच्छे से, और
मन में बच्चा तो था ही, मन में ये आता है कि भाई मैं कैसे भी करके यहाँ से मैं निकलूँ, मैं बाहर खेलूँ करूँ। तो जब ये बाहर देख रहा होता है तो कुछ लोग वहाँ से गुजरते हैं जिन लोगों से बातचीत करता है, अपनी जो फीलिंग्स है अपनी बातों को शेयर करता है। तो सबसे पहले वहाँ पर एक डेयरी मैन आता है, कर्ड सेलर, दही बेचने वाला। दही बेचने वाला चिल्ला चिल्ला कर दही बेच रहा होता है, गाना गा रहा होता है। अमल उस कर्ड सेलर को अपने पास बुलाता है। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यू माइंड इट दैट अमल डिड नॉट वॉन्ट टू बाय हिज कर्ड। दही नहीं खरीदना चाहता था, दही खरीदने के इंटेंशन से नहीं बुलाता है वो, बल्कि वो उसको इसलिए बुलाता है क्योंकि उस डेयरी मैन का गाना बहुत अच्छा लगता है उसको, और वो चाहता था कि वो गाना इसे भी सिखाए। जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है बच्चा। तो जब डेयरी मैन इसके पास आता है, डेयरी मैन से बातचीत करता है, डेयरी मैन के जो विलेज लाइफ है, कंट्री साइड पीपल में लोग कैसे रहते हैं उनकी भी बातें बातचीत करता है। तो डेयरी मैन इस बच्चे से भी वही बात कहता है, सेम थिंग रिपीट करता है जो इसके पिताजी ने और गफर ने कहा था, भाई तू तो बहुत अच्छा बच्चा है, तू पढ़, यहाँ बैठ कर क्या कर, बुक्स पढ़ ताकि तू क्या कर सके, पंडित बन सके। तो बच्चा कहता है कि नहीं, मैं मुझे पंडित वंडित नहीं बनना है, मैं आपकी तरह कर्ड सेलर बनूंगा। कर्ड सेलर बनूंगा तो उससे मुझे ये बेनिफिट होगा कि मैं जगह जगह क्या करूंगा, घूम कर दही बेच पाऊंगा, और मुझे ट्रैवल करने का क्या होगा, मौका मिलेगा। क्योंकि बच्चा घर में पड़ा पड़ा क्या हो गया था, परेशान हो गया था। फिर डेयरी मैन से काफ़ी बातचीत होती है। डेयरी मैन इस बच्चे की बातों से, इसकी बीमारी के बारे में जानकर इस बच्चे से इमोशनल टच हो जाता है, बहुत भावुक होता है। इस बच्चे को बिना पैसे क्या करता, थोड़ा बहुत दही देकर वहाँ से चला जाता है। आफ्टर कर्ड सेलर एक वॉचमैन वहाँ पर आता है। देखिए, वॉचमैन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, ठीक है, अच्छे समझना। वॉचमैन आता है, जब वॉचमैन आता है तो अमल, वॉचमैन मतलब आवाज लगाते लगाते आता है, तो अमल क्या करता है, इस वॉचमैन को बुलाता है और वॉचमैन से बातचीत करता है। काफी देर जब बातचीत होती है तो वॉचमैन से अमल एक क्वेश्चन करता है, समझ ढंग से, एक क्वेश्चन करता है। वो यह क्वेश्चन करता है कि भाई इस सड़क के उस पार जो बिल्डिंग बन रही है ना, ये क्या है बिल्डिंग, इसमें से लोग आ जा रहे हैं, ये क्या है ये बिल्डिंग। तो फिर ये वॉचमैन बताता है कि ये बिल्डिंग है, ये क्या है, एक पोस्ट ऑफिस है, और ये वो पोस्ट ऑफिस है जिससे राजा क्या करता है, लेटर्स भेजता है। अरे एक दिन तुम्हें भी क्या करेगा, वॉचमैन कहता है इस बच्चे से, एक दिन राजा क्या करेगा, इस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से तुम्हें भी एक लेटर भेजेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर जो राजा वर्ड यूज किया गया है, जो किंग वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ये कोई राजा नहीं होता है, ये एक वहां का जो एक विलेज रूलर होता है, जैसे मुखिया नहीं होता, क्या सरपंच टाइप के जो लोग होते हैं, गांव का जो हेडमैन होता है उसकी बात कर रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर को राजा महाराजा की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो वॉचमैन कहता है कि ठीक है भाई, वहां तेली भी लेटर आएगा। अब थोड़ी देर इनकी बातचीत होती है और ये अमल वॉचमैन से भी यही कहता है कि भाई कर्म से कि आई वॉन्ट टू बिकम अ वॉचमैन ऑल्सो, कि मैं भी वॉचमैन बनना चाहता हूँ, जगह जगह मैं घूमना चाहता हूँ। फिर इस वॉचमैन से पूछता है वो कि भाई आप एक घंटी कब बजाओगे, तो वॉचमैन कहता है भाई जब टाइम होगा घंटी बजाने का तब मैं घंटी बजाऊंगा। ये बातचीत कर रहे होते हैं तभी विलेज हेडमैन, गाँव का जो मुखिया होता है ना, वो मुखिया वहाँ आ जाता है। और आप ध्यान रखना, गाँव का जो मुखिया है, उस गांव के मुखिया से गांव का हर आदमी डरता था। तो ये विलेज, ये जो वॉचमैन है, ये थोड़ा डर जाता है उस मुखिया को आते हुए देखकर, और उस बच्चे से क्या करता है, थोड़ी बहुत बातचीत करके वहां से क्या होता है, चला जाता है। फिर कौन आता है, एक वो विलेज हेडमैन आता है। ये अमल उस इशारा करके उस हेडमैन को बुलाता है। हेडमैन बहुत एक रूड तरीके से इस बच्चे से क्या होता है, बात करता है, असभ्य तरीके से बात करता है। ये बच्चा इससे कहता भी ऐसे ऐसे मुझे बीमार हूं मैं, और मुझे पता है कि राजा क्या करेगा, राजा मुझे लेटर भेजेगा, और राजा के लेटर का मैं वेट कर रहा हूं। इस बात का विलेज हेडमैन क्या करता है, मजाक उड़ाता है इस बच्चे का। और बहुत देर तक बातचीत होने के बाद ये जो विलेज हेडमैन होता ना, ये गाँव का मुखिया इस बच्चे को ये क्या कर जाता है कि मैं राजा के पास जा रहा हूं और शिकायत करूंगा मैं तुम्हारी फैमिली की, ये शिकायत करूंगा कि भाई वो जो अमल है और उसके जो पिता है ना माधव, वो इस प्रकार से राजा के लेटर का वेट कर रहे हैं, ये वो, इस प्रकार की बातचीत करके इस बच्चे को डरा धमका कर, उठपटांग जो भी इसके मन में आया वो सब कुछ बोलकर ये क्या होता है, विलेज हेडमैन वहां से चला जाता है, ठीक है।
फिर सुधा नाम की बच्ची आती है। ध्यान रखना पूरा जो प्ले कवर किया गया है वो विंडो पर बैठा हुआ बच्चा, बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है, तो बाहर से वो जो लोग गुजर रहे हैं उनको रोक रोक के बात कर रहा है ये। तो फिर सुधा आती है वो बच्ची, अमल पूछता है कि भाई सुधा तुम कहाँ जा रही हो, तो वो सुधा ये कहती है कि मैं मेरे पिता के लिए, जो मेरे पिता माला बनाते हैं, तो मैं जो फ्लावर्स वगैरह है वो इकट्ठा करने के लिए जा रही हूँ। और वो सुधा इस बच्चे से कहती है कि अच्छा है तो तू घर पर है, काश मैं भी घर पर रुक सकती, मैं आराम कर सकती घर पे। बट वो ये नहीं समझ पा रही थी कि अमल बेचारा घर पर रहने से कितना परेशान हो गया था, वो तो बाहर निकलना चाह रहा था, ही वॉन्ट टू ट्रेवल द हॉल वर्ल्ड। ठीक है, तो अमल कहता है सुधा से भाई एक काम करना, मैं चल तो नहीं पाऊंगा बट जब तुम वापस आओ ना फूल तोड़कर, ध्यान रखना ये जो सुधा है इस बच्ची का लास्ट में जब हमारा प्ले खत्म होने वाला होगा, जब बच्ची की डेथ हो जाएगी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा इस बच्ची का। सुधा जो होती है, सुधा से अमल कहता है ठीक है एक काम करो आप जाओ, बट जब वापस लौटो ना आप फूल तोड़कर तो मुझसे मिलकर जरूर जाना और मेरे लिए भी एक फूल लेकर आना आप जाओ जब। तो सुधा कहती है कि ठीक है मैं लेट हो रही हूँ, नहीं तो अगर मैं टाइम पर नहीं पहुँच पाऊँगी तो माला बनाने के लिए मुझे वहाँ पर फ्लावर्स नहीं मिलेंगे, इतना कहकर बच्ची वहाँ से चली जाती है। ठीक है, फिर आता है ट्रुप ऑफ बॉयज, वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, अमल विंडो पर बैठा हुआ होता है, अमल उन बच्चों को आवाज़ लगाकर बुलाता है कि भाई आप एक काम करो मैं आपको मेरी जितने भी टॉयज है ना मैं सारे खिलौने दे दूंगा आपको, लेकिन बट एक कंडीशन पर दूंगा, आप सब यहाँ आकर खेलोगे मेरे विंडो के सामने रोजाना, आप रोजाना यहाँ आकर खेलो मैं आपको क्या करूँगा खिलौने दूंगा। ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि बेचारा खुद तो खेल नहीं सकता था, तो वो उनको देखकर ही क्या हो थोड़ा सा एंजॉय करे, एंटरटेनमेंट हो इस बच्चे का। तो बच्चा कहता है भी मैं टॉयज दूंगा खिलौने और आप यहाँ आकर खेलना, साथ ही साथ ये जो अमल होता है इन बच्चों से ये भी कहता है कि भाई अगर कोई पोस्टमैन दिखे ना तुम्हें रास्ते में तो उस पोस्टमैन को मेरे पास भेज देना। अच्छा पोस्टमैन की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि राजा क्या करेगा लेटर भेजेगा एंड पोस्टमैन के हाथों भेजेगा तो पोस्टमैन आएगा तो मुझे लेटर वेटर मिल जाएगा। तो ये बच्चे वहां से क्या हो गए चले गए। ठीक है, अब देखिए आप ये सारा घटनाक्रम होता है लगभग दिन में, सब आ गए बातचीत करके चले गए। अब क्या होता है लगभग दोपहर का शाम का सा समय होता है, कुछ समय बाद में माधव लौटता है काम से वापस। अब कुछ कैरेक्टर्स वापस आएंगे, ठीक है, माधव काम से जब वापस लौटता है तो माधव देखता है कि इस अमल की तबीयत ज़्यादा डेट्रोटेड हो जाती है, ज़्यादा खराब हो जाती है। यहाँ से एक्ट टू स्टार्ट हो जाएगा आपका, अब तक जो हमने बात की वो एक्ट फर्स्ट की बात थी, पहला एक्ट था, यहाँ से एक्ट टू की शुरुआत होती है। उस एक्ट टू की शुरुआत के अंदर अमल की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो माधव आकर अमल को डांटता है कि यार तुझे मना किया था डॉक्टर ने विंडो के पास बैठने से और ये तबीयत तेरी इसलिए ज़्यादा खराब हुई है कि तू विंडो के पास बैठा है, बाहर की हवा तुझे लगी है और तू ज़्यादा क्या हो गया है अब तेरी तबीयत खराब है। वो बेचारा क्या होता है बेड में लेटा हुआ होता है, तभी वहाँ डॉक्टर आता है। डॉक्टर आकर माधव से कहता है कि यार इस बच्चे ने विंडो पर बैठकर अपनी तबीयत ज़्यादा खराब कर ली, अब बेहतर होगा आप इस सारी विंडोज़ को क्या कर दो बंद कर दो। तो ये डॉक्टर जो आता है ना गांव का जो डॉक्टर था जिसे नॉलेज नहीं होती ज़्यादा मेडिसिन की, तो वो आकर सारे जो विंडोज़ वगैरह होती है खिड़कियाँ वगैरह वेंटिलेशन वगैरह सब बंद करवा देता है और वो ये कहता है कि खुली थी, ये बच्चा विंडो के पास बैठा हुआ था इसीलिए इसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। फिर वहाँ पर गैफर आता है, थोड़ी देर बाद में ध्यान रखना थोड़ी देर बाद में ये जो गाँव का मुखिया होता है ना, ये गांव का मुखिया एक लेटर लेकर क्या होता है अमल के पास आता है। वैसे ये लेटर जो था ये एक ब्लैंक पेपर होता है, खाली कागज होता है, और वो आकर मतलब देखो एक तो अमल को ही पता चल गया था, अमल को इस बात का पता चल गया था कि विलेज हेडमैन ने जो राजा था उस राजा को इनकी परिवार की शिकायत कर दी है, ठीक है कि भाई ऐसे ऐसे वो लोग राजा का वेट कर रहे हैं, अपनी जो एक स्टैंडर्ड औकात है उससे ज़्यादा सोच रहे हैं। तो यहाँ पर हमको एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है, एक कास्ट सिस्टम जो है वो कास्ट सिस्टम भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से एक हमारी सोसाइटी में जो एक रेसिसिज्म है जो जातिवाद है वो किस प्रकार से व्याप्त होता है। तो ये क्या करता है इस अमल का मजाक बनाता है, अमल की तबीयत ज़्यादा खराब होती है,
बेड में लेटा हुआ होता है, धीरे धीरे इसकी आंखें बंद होती है दर्द के मारे। तो आकर क्या करता है ये विलेज हेडमैन, जो वो खाली पेपर होता है ना, वो खाली पेपर इस अमल को दे देता है। क्यों देता है? दो चीजें हैं यहां पर, एक तो अमल इलिटरेट होता है, अनपढ़ होता है, पढ़ना नहीं जानता है। दूसरा वो कागज खाली होता है, केवल मजाक बनाने के लिए वो कागज अमल को देता है। और क्या कहता है कि ये राजा का लेटर है और ये लेटर राजा ने तुम्हारे लिए भिजवाया है अमल के लिए। अमल जब उस पेपर को हाथ में लेता है तो वो ब्लैंक होता है, कुछ दिखता नहीं है, लेकिन अमल को ये लगता है कि शायद इसमें लिखा हुआ तो है लेकिन मेरी बीमारी की वजह से मुझे बिल्कुल क्लियर विजन नहीं है मेरा, मैं बिल्कुल साफ नहीं देख पा रहा हूं। तो वो उससे भी कहता है, हेडमैन से भी, मुझे दिख रहा नहीं है, शायद इसलिए नहीं दिख रहा है कि मेरी आंखें इस समय क्या थोड़ी कमजोरी फील कर रही है। तभी क्या होता है, गैफर जो होता है वो अमल के हाथ से वो कागज ले लेता है और गैफर क्या करता है उसमें से पढ़ता है, लिखा हुआ कुछ नहीं था, अपनी तरफ से पढ़ता है और वो ये कहता है अमल से कि ये राजा का लेटर है और इसमें ये लिखा हुआ है कि राजा क्या होगा, तुमसे मिलने के लिए आएगा। अब जो बच्चा था ना अमल, जो राजा के लेटर का वेट कर रहा था, लेटर तो आ गया, अब वो राजा का वेट करता है एक्साइटमेंट होकर कि अब राजा मुझसे मिलने के लिए आएगा, और इसीलिए वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा उसकी सांसें और चलती है। अब ये सब मजाक कर रहे होते हैं इसका, विलेज हेडमैन कहता है कोई राजा नहीं आएगा, बेवकूफ है ये वो। अब देखो इस दौरान क्या होता है, ये बातचीत कर रहे होते हैं तभी दरवाजे पर नोक होता है। दरवाजे पर जैसी नॉकिंग होती है, ये गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि राजा का एक काफिला वहां खड़ा हुआ था। एक्चुअली राजा नहीं आता है लेकिन राजा के जो लोग होते हैं वो लोग वहां पर आते हैं, उनमें किंग्स हेरल्ड आता है, एक तो राजा के आने की सूचना देने वाला एक जो व्यक्ति है, और रॉयल फिजिशियन। रॉयल फिजिशियन वो होता है जो वास्तव में एक अच्छा डॉक्टर होता है और वो राजा की तरफ से आता है। रॉयल फिजिशियन आता है, आते ही सबसे पहले ये कहता है कि यार ये क्या कर रखा है आपने, ये सारी विंडोज बंद कर रखी है आपने, वेंटिलेशन बंद किए हुए हैं, इतना ज्यादा सफोकेशन इस कमरे में हो रहा है और इस सफोकेशन की वजह से ही इस बच्चे की तबीयत क्या हो गई है, ज्यादा खराब हो गई है, किसने एडवाइस दी ऐसी, ये अब उसको सही तरीके से संभालेगा। अब रॉयल फिजिशियन क्या होता है, उसको बच्चे का चेकअप वगैरह करता है लेकिन टाइम बहुत निकल गया होता है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। तभी किंग का जो हेरल्ड होता है ना, ये हेरल्ड उस अमल से ये कहता है उस बच्चे से कि भाई राजा जो है वो आधी रात के लगभग, जब आधी रात हो जाएगी तब राजा तुमसे मिलने के लिए आएगा। तो बच्चा बहुत खुश होता है। देखिए यहाँ पर जो होता है ना, एक चीज़ थोड़ी सी बदलती है, जब माधव को और अमल को ये पता चल जाता है कि राजा आएगा, तो माधव एक थोड़ा ग्रीडी नेचर का व्यक्ति होता है, लालची स्वभाव का व्यक्ति होता है, तो माधव क्या करता है, इस अमल से धीरे से कहता है कान में, वो ये कहता है कि जब राजा आए ना तेरे पास में तो तू धीरे से, भाई राजा आएगा आधी रात में तो तू धीरे से राजा को ये बोलना कि भाई अगर पूछे ना राजा कि भाई क्या चाहिए, तो तू राजा से अपने परिवार के लिए थोड़ा पैसा मांग लेना, कोई काम मांग लेना, जॉब मांग लेना, मेरे लिए पैसा मांग लेना। ये सेंटेंस अमल के ग्रीडी स्वभाव को दर्शाते हैं कि बच्चा तो मरने में जा रहा है, मरने की स्थिति में है और ये क्या है, ये लालच में पैसों में घिरा हुआ है। ये सारी बातचीत हो रही होती है, जब बातचीत हो रही होती है, जब वो खिड़कियां वड़कियां खोलने का जब समय आता है, तो फिर रॉयल फिजिशियन कहता है कि भाई चलो ठीक है, अब इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि रॉयल फिजिशियन कहता है अपनी लैंग्वेज में, रॉयल फिजिशियन ये कहता है कि भाई अब अमल धीरे धीरे क्या कर रहा है, सो रहा है, सोने का मतलब ही वॉज डाई, अमल क्या था, मर चुका था, ये ध्यान रखना। अब फाइनल पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं इस नॉवल का। अमल के मरने के बाद एक बहुत ही मार्मिक क्षण आता है इस कहानी में, भावुक कर देने वाला एक क्षण आता है लास्ट में। वो जो बच्ची होती है ना सुधा, वो सुधा वापस लौटती है, और क्यों लौटती है, क्योंकि अमल ने उससे कहा था कि भाई तुम जाए ना, जाते वक्त एक फ्लावर मेरे लिए भी लेकर आना। तो बच्ची आती है, दरवाजे पर रॉयल फिजिशियन खड़ा होता है, बच्ची पूछती है कि भाई अमल कहाँ है, मुझे अमल से क्या करना है, मिलना है, मैं उसके लिए फूल लेकर आई हूं। तो रॉयल फिजिशियन उससे ये नहीं कहता कि मर गया है, रॉयल फिजिशियन उस बच्ची से कहता है भाई अमल अभी क्या है, सो चुका है,
सो रहा है, ये फूल आप मुझे दे दो, आपकी तरफ से मैं अमल को दे दूंगा, ठीक है। इतना वो कहता है और सुधा उससे कहती है ठीक है, अमल जगे, उसको बोलना कि सुधा अब वापस आई थी, फूल देकर गई थी। और इसी के साथ ये प्ले यहीं पर क्या होता है, खत्म हो जाता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बच्ची जो फूल देकर गई है, वो फूल उस बच्चे के लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक माध्यम हो। तो ये एक बहुत अच्छी कहानी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई है। बच्चे की डेथ हो जाती है, सुधा के आने के बाद कर्टेन गिरता है और ये नॉवल यहीं पर, ये प्ले यहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा हुआ बहुत सुंदर सरल भाषा में द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।